शुरू करते हैं आज की कहानी मेरा नाम नाजिया है मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद के एक नवाही गांव से है मैंने गांव के एक अमीर घराने में आँख खोली बचपन से ही घर में मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता था मेरी वालिदा मेरा बहुत ख्याल रखती थी क्योंकि मैं अपने वालदेन की शादी के सात साल के बाद पैदा हुई थी घर में दौलत की रेल बेल थी घर में काम करने के लिए नौकरानी थी जो घर का सारा काम करती थी मैंने इब्तदाई तालीम गांव के एलिमेंट्री स्कूल से हासिल की और कुरान पाक की तालीम घर के साथ अम्मा हाजिन से हासिल की थी अम्मा हाजिन की ज़िंदगी बच्चों और बच्चों को कुरान की तालीम से बच्चों को आरास्ता करते गुजरी थी हमारा घर एक मजहबी घराना था सुबह सवेरे घर में फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमें कुरान पाक पढ़ाया जाता था घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी अब की काफ़ी ज़मीनें थीं गांव में जहाँ से रिस की फरावानी थी उसके साथ साथ अबू का कारोबार भी था वहाँ से भी खूब आमदन आती थी मेरे घर से कुछ दूर ही हमारे चचा का घर था मेरी चची का एक ही बेटा था जिसका नाम शाकिर था हमारी चची बेवा थी इसलिए शाकिर अक्सर हमारे घर ही रहता था मैं भी छुट्टी वाले दिन अपनी चची के घर जाती जहाँ पर मेरा पूरा दिन गुजरता था हम सभी तकरीबन साथ साथ रहते थे चौदह साल की उम्र में मैंने मिडिल का इम्तिहान अपने ही स्कूल से पास किया था इसके बाद मैंने मेट्रिक के लिए दाखिले का वालदेन से कहा तो अबू ने मुझे हाई स्कूल पढ़ने शहर भेज दिया ये शहर काफ़ी फ़ासले पर था जहाँ से मैं रोज़ाना आ जा नहीं सकती थी अबू ने स्कूल के साथ ही एक हॉस्टल में मेरी रिहाइश का बंदोबस्त कर लिया जब मैं नवी क्लास में थी तो लड़कियां मेरे हुसन की तारीफें करने लगी क्योंकि मैं बहुत हसीन थी पांच फुट कद लंबे काले बाल ऊंची नाक बारीक गुलाबी होंठ। लड़कियाँ मुझे कहती थी नासिया तुम पर तो हो बाहर आई है खैर एक माह के बाद मैं अपने घर आई तो मेरा भाई शाकिर अब भी हमारे घर पर मौजूद था मैं भी कई दिन से नोट कर रही थी कि वो अम्मी से छुप छुप कर मुझे देखा करता था मुझ में बहुत दिलचस्पी लेने लगा था एक बार जब मैं हॉस्टल से घर वापस आई तो ईद की एक हफ्ता की छुट्टियां हुई थी एक दिन शाकिर हमारे घर आया तो अम्मी के वॉशरूम जाते ही इसने मुझे एक तह किया हुआ कागज़ पकड़ा दिया साथ ही कहा कि अपनी अम्मी से छुप कर पढ़ना जब वो कागज़ उसने मुझे दिया तो मेरे जिस्म की कैफियत अजीब सी हो गई सारा वजूद धड़कने लगा था ऐसा लगता था कि दिल फटकर हलक में आ जाएगा इतने में अम्मी भी बाहर आ गई तो मैंने कागज़ का वो टुकड़ा छुपा लिया जब अम्मी हमारे पास आकर बैठी तो शाकिर ने कहा खाला जान मैं चलता हूँ अब मैं बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे मौका मिलेगा और मैं शाकिर का दिया हुआ कागज़ पढ़ूंगी खैर दिन गुजर गया जब रात को मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई तो मैंने वो कागज का टुकड़ा बाही निकालकर पढ़ना शुरू किया जिसमें लिखा हुआ था जान से प्यारी नाज़िया तुम बहुत खूबसूरत हो मुझे अच्छी लगती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं पहले बहुत डरता था कि तुमसे ये बात कैसे कहूँ मगर आज दिल ने साथ दिया तो कागज का सहारा लेकर तुमसे बात कर रहा हूं मैं हर वक्त तुम्हारे ही ख्यालों में गोता हूं वा सलाम खैरअंदेश शाकिर शाकिर का ये मोहब्बत नामा पढ़कर मैं रात को सो नहीं सकी रात भर शाकिर के बारे में सोचती रही बिलाशुबह मैं भी तो बहुत ही हसीन हूँ मगर मेरा शाकिर मुझसे भी ज़्यादा हसीन है ख़ास तौर पर शाकिर की छोटी छोटी दाढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती खुद शाकिर भी गोरा चिट्टा सेहतमंद और खूबरू नौजवान था गोया मेरे ख्वाबों का शहजादा था मेरे लिए एक हीरा था मेरे अंदर भी जज्बात पढ़ना शुरू हो गए क्योंकि अब मैं भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ने लगी थी मैं भी दिल के हाथों मजबूर होकर शाकिर को अपना दिल दे बैठी और उससे अब रोजाना मुलाकात करने लगी मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एफए में दाखला लिया अब मैंने हॉस्टल में रहना छोड़ दिया था क्योंकि गांव में पढ़ाई का रुझान ज्यादा होने लगा था लोगों ने गांव से बच्चे और बच्चियों को शहर में पढ़ाने के लिए कैरी डब्बे लगा लिए थे मेरे अबू ने भी डब्बे वाले से बात कर ली थी अब मैं रोजाना कॉलेज से घर आ जाया करती जब मैं कॉलेज में गई तो अबू ने मुझे एक मोबाइल भी लेकर दिया कि अगर शहर या कॉलेज में कोई मसला हो तो रा कर लेना खैर शाकिर ने भी मोबाइल ले लिया रोजाना कई घंटे शाकिर और मैं फोन पर बातें करते किसी को कोई शक नहीं था हम प्यार में इस हद हाँ तक भड़के थे कि हमने जिंदगी भर साथ रहने का फैसला भी अपनी जगह पर कर लिया था जब मैंने एफ ए का इम्तिहान फर्स्ट पोजीशन में पास किया तो घर में एक दावत का अहतमाम किया गया मेरी अम्मी ने अपने तमाम रिश्तेदारों को दावत पर मदू किया मेरी अम्मी का ये ख्वाब था कि मैं बी ए करने के बाद वकालत का इम्तिहान दूँ इंसान तो सोचता बहुत कुछ है मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कुछ ही दिन के बाद अम्मी की तबीयत खराब हो गई तो अम्मी को एक इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया फिर डॉक्टर ने मनहूस खबर दी कि अम्मी को कैंसर है जो कि आखिरी स्टेज पर है हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए आखिरकार एक हफ्ते के बाद अम्मी हमें अकेला छोड़कर इस तारे फानी से कूच कर गई जब अम्मी की मैय को घर में लाया गया तो घर में कोहराम मच गया गोया मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई थी मुझ पर बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी थी न जाने कब मेरी अम्मी का जनाजा उठ गया सच है अल्लाह जब ज़ख्म देता है तो उसे भर भी देता है वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसान को सब्र करना आ जाता है अम्मी की के वफाद के बाद शाकिर चंद महा पाकिस्तान में रहा और फिर वो दुबई चला गया जब शाकिर दुबई गया तो हम दोनों ने शादी की कस्में खाई कुछ अरसा तो वहां से शाकिर ने फोन पर रब्ता किया मगर फिर ये सिलसिला कम होते होते न होने के बराबर रह गया अम्मी की वफा के एक साल बाद अबू को रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के मशवरे देना शुरू कर दिए ऐसे में चची से ज्यादा माकूल खातून कोई न थी क्योंकि वो बरसों से बेवा थी और उनके भाई की इज्जत थी तभी अबा जाने हमारी चची से निकाह कर लिया चची हमारी सौतीली माँ बनकर हमारे ख़ानदान में आ गई थी चची का रवैया अब मेरे साथ बहुत सख्त था वो बात बात पर मुझे डांटती और सारे घर का काम मुझसे करवाती हती के अपने कपड़े भी मुझसे इस्त्री करवाती बात बात पर मुझे जलील करना बुरा भला कहना अगर जब मैं अपने अबू से शिकायत करती तो कहते कि वो तुम्हारी माँ है तुम सब्र करो मैं चुप होकर तकालीफ सहने की आदी हो गई एक दिन अबू दूसरी अम्मी को लेकर शहर खरीदारी करने गए तुम्हें तो घर में अकेली थी अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था मैंने कॉल रिसीव की तो आगे से एक मर्द की आवाज़ थी मैंने कहा जी आप कौन उसने कहा कि मैं वाजिद हूँ मैंने पूछा आपने मुझे कॉल क्यों की तो उसने बताया कि उसने अंदाजे से नंबर मिलाया था और मेरा नंबर मिल गया मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी गोया माजिद की आवाज़ कॉल पर सुनने के बाद न जाने कब तक मेरे कानों में सरगोशी करती रही वाजिद ने मुझे बताया कि वो सरगोधा के एक गांव में रहता है और वकील के पास मुंशी का काम करता है उसने मुझे अपनी सारी फैमिली के बारे में बताया और ये भी कि वो गैर शादीशुदा है खैर वक्त गुजरता गया था हम हर रोज कई कई घंटे फोन पर बातें करने लगे क्योंकि रात को मैं कमरे में अकेली होती फोन सुनने की कोई दुश्वारी नहीं होती थी दोस्ती से बात मोहब्बत तक पहुंच गई अब तो हमारी मोहब्बत में बेपनाह इजाफा हो गया था साथ में हम दोनों ने हमेशा एक साथ रहने का वादा भी कर लिया था मैंने उसे बताया था कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है और मेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली है चची मुझ पर बहुत जुल्म करती है बात बात पर मुझे बेइज्जत करती है वाजिद ने मुझे कहा कि अगर मैं घर में शादी की बात करूंगी, तो मेरे अबू कभी नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे खानदान की शादियां खानदान में ही होती हैं अब मैं भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि क्या करूं। तभी वाजिद ने मुझे बहुत सहारा और हौसला दिया कि तुम मेरे पास सरगोदा आ जाओ हम शादी कर लेंगे आखिरकार सौतेली माँ के रवैये से तंग आकर मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया एक दिन मेरी सौतेली माँ अपने ससुराल में गई तो मैंने एक गनीमत जाना और पांच तोले सोने के जेवरात और पचास हजार रुपए की नकदी अपनी रख ली अगले रोज जब सौतेली माँ आ गई तो मैं दिन को मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हो गई तीन चार सूट साथ लिए और सरगोधा वाली बस में बैठी साथ ही वाजिद को फोन कर दिया वाजिद लारी अड्डे पर मेरा इंतज़ार कर रहा था फ़ोन करने के बाद मैंने अपना नंबर बंद कर दिया जब मैं सुरगुद्धा लारी अड्डे पर पहुंची, तो रात के आठ बजे का टाइम था मैंने वाजिद को पहचान लिया जो मेरे ही इंतज़ार में खड़ा था वाजिद मुझे अपने दोस्त के घर ले गया उसने कहा कि यहाँ पर दो दिन रहने के बाद हम निकाह कर लेंगे फिर निकाह करने के बाद हम घर जाएंगे अगले दिन वाजिद मुझे अदालत में ले गया जहाँ पर हमने जज को बयानात कलम बंद करवाए और निकाह के बंधन में बंध गए उसके बाद वाजिद मुझे गांव में अपने घर में लेकर गया गांव में वाजिद का एक कच्चा मकान था कच्चे मकानों को देखकर मुझे बहुत अजीब सा लगा हद तक के घर में बैतुलखला तक नहीं था हाजत के लिए सुबह सवेरे उठ खेतों में जाना पड़ता उसके घर वालों ने पहले तो मेरे साथ इतना अच्छा सलूक न किया मगर बाद में सब कुछ ठीक हो गया मेरी सास मुझसे अच्छा सलूक करने लगी वक्त गुजरता गया एक साल के अरसे के बाद अल्लाह ने मेरी गोद हरी कर दी और मुझे चांद सा बेटा दे दिया मेरा शोहर और मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे फिर दो साल गुजरने के बाद मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ अब शाकिर पाँच साल का तवील अरसा गुजारने के बाद दुबई से वापस पाकिस्तान आया मैं एक दिन अचानक अपने घर से लौटी मुझे अपने अबू की बहुत याद आ रही थी मैंने अबू का मोबाइल नंबर मिलाया तो बात हो गई अबू ने कहा तुम तो मेरे लिए मर गई हो आइंदा कभी मुझसे रबता न करना मैं बहुत गर्व से गुजर रही थी अपने तो फिर अपने होते हैं मुझे अपने कज़िन शाकिर का ख्याल आया जो कि चची की शादी के बाद मेरा भाई बन चुका था मैंने वही पुराना नंबर डायल किया तो शाकिर का नंबर मिल गया शाकिर ने पूछा कौन मैंने उसे बताया कि मैं नाजिया बोल रही हूँ उसने कहा कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में आज भी तड़पता हूँ और सिसकता हूँ मुझे शाकिर के साथ गुजरे हुए लम्हात याद आ रहे थे मेरे अंदर गुजरी हुई मोहब्बत फिर से जिंदा हो गई अब हर रोज़ हम दिन को प्यार भरी बातें करते मुझे शाकिर की बातों ने अपने शहर में जकड़ लिया था शाकिर ने मुझे बताया कि मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ मगर मैं बच्चों को देखती तो मेरे कदम थम जाते अब मैंने बड़ी मुश्किलों से मेके आना जाना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे कबूल करने पर तैयार न थे, या ना थे। सच कहूं, से मुझे शाकिर का दर्द सता रहा था मैं और शाकिर इन्ही मनसूबा बंदियों में मसरूफ थे कि एक रात में बाहर सहन में शाकिर से बातें कर रही थी तो मेरे देवर ने मुझे शाकिर से फोन पर बातें करते हुए सुन लिया मुझसे पूछने लगा भाभी आप किससे बातें कर रही हो भाई तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं और आप हैं कि आप उनसे बेवफाई कर रही हैं मुझे बहुत अजीब लगा गोया मेरे कदमों तले जमीन निकल गई वो मुझे धमकाने लगा कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मेरी हकीकत मेरे शोहर को बता देगा ये बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी कि मैं अपने देवर से कोई ताल्लुक रखूं तभी मैंने उसे मुंह न लगाया उसने मेरे शोहर को बता दिया मैंने अपने शोहर से बहुत माफिया मांगी, मगर वो बहुत गु़स्से में थे और मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे अगली सुबह जब वो दफ्तर से रवाना हुए तो उसके हाथ में कागजात थे उसने कहा मैं तुम्हें तलाक देता हूँ तुम तो मेरी तरफ से आज़ाद हो मगर मेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे अब तुम अकेली जहां जी चाहे चली जाओ मेरी सास भी इस अमर पर हैरान थी क्योंकि वो भी एक माँ थी खैर में धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगी बोचल कदमों के साथ अपने गांव आ गई शहर आकर मैंने अपने कजिन शाकिर को फोन किया उसे बताया कि उसकी वजह से मुझे मेरे शहर ने तलाक दे दी है अब वो आकर मुझे ले जाए मगर वक्त बहुत ही बेरहम होता है आज मुझे अंदाजा हुआ था कि शाकिर मुझसे कितनी बेवफाई कर रहा था तभी उसने वो बात बोली कि मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई बोला तुम बेवफा हो मगर अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मैंने हर पल तुम्हारी मोहब्बत को अपने सीने से लगाए रखा मगर नाजिया तुमने मेरे साथ बेवफाई की है आज मैंने तुम्हारा घर तबाह करके तुमसे तुम्हारी बेवफाई का बदला लिया है जाओ मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं आज मेरे लिए दुनिया में कोई भी अपना अपना न रहा था सभी बेगाने हो गए थे मैं तो लुट गई थी शाम होने वाली थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बस अड्डे पर से निकलते हुए मैंने एक बोर्ड पढ़ा और दारुल अमान आ गई मैं चुपचाप आंखों से बहते आंसू और टूटे हुए दिल के साथ अपने बेचान होते जिस्म को घसीट कर अमान में ले गई जहां मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ कुछ दिन पहले मुझे अपने वालिद की याद सताई मैंने अपने वालिद को ख़त लिखा सभी तफसी से आगाह किया और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी पता नहीं वालिद मुझे कब माफ़ करेंगे अब मैं अपने वालिद के ख़त या उनकी आमद का इंतज़ार कर रही हूँ आप भी दुआ कीजिए कि मेरे वालिद मुझे लेने आ जाए आखिर में मैं यही कहूंगी कि जज्बात के फैसले हमेशा पायेदार नहीं होते जज्बात के फैसले नुकसानदेह होते हैं और तमाम उम्र अजियत का बास बनते हैं आज जज्बातीत मुझे इस मोड़ पर ले आई है मेरी इस कहानी से हर वो लड़की सबक सीखे जो अंधे इश्क की खाई में खोने को पूरी पूरी तैयार है इस इश्क के खेल में ना खुदा मिलता है और ना ही सन खुदा के लिए खुद को संभाले और मोहब्बत के इस खेल से बाज रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए